अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब लोधी, copier.pk के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं पेपर श्रेडर के बारे में। एरोरा का एक मॉडल है AS1230CD। ये पेपर श्रेडर आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि कॉन्फिडेंशियल हैं और जिसको आप क्रश करना चाहते हैं या श्रेड करना चाहते हैं उसके लिए यूज़ होगा। पेपर श्रेडर जो है हमारे पास वो 1230 वो 12 पेज आप एट अ टाइम जो है ना उसको शेड कर सकते हैं। इसके अलावा सीडी भी शेड कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड भी आप शेड कर सकते हैं। मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा आपको, इसके अलावा इसकी ऑपरेटिंग के बारे में आपको बताऊंगा, तो देखते रहिए copier.pk। ये पेपर श्रेडर है और पेपर श्रेडर के अलावा ये सीडी को भी क्रैश करता है और आपके क्रेडिट कार्ड वगैरह को भी शेड करता है। इसके साथ इसकी 15 लीटर वाली जो है वो वेस्ट पिन है, सीडी क्रैश और कार्ड क्रैश है, क्रेडिट कार्ड वगैरह को भी क्रैश करता है और 12 शीट्स जो आप A4 साइज़ की हैं वो आप एट अ टाइम इसके श्रेड कर सकते हैं। इससे इसमें रिवर्स भी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स अगर आप उसे श्रेड कर रहे हैं और अचानक से आपको याद आया कि ये तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको ऑपरेट करके मैं आपको चेक करवाता हूँ। इसके 4 व्हील हैं ये जो इसके नीचे लग जाते हैं। ये इसकी श्रेड मशीन है और ये इसकी वेस्ट बिन है। हम इसमें श्रेड करके देखेंगे। ये कुछ शीट्स हैं मेरे पास जो मैंने श्रेड करनी थी और ये मैं आपके सामने श्रेड करूंगा। इसके लिए सबसे पहले आप इसको ओपन कर लें। ये यहाँ से आप इसको प्रेस का बटन है, प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर प्रेस हो जाएगा। ये शीट्स हैं, हम इसको इस तरीके से ये पेपर श्रेड कर लेगा। अगर खुदा ना खास्ता आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट श्रेड कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट था और आपने जस्ट इसको लगाया और आपको फ़ौरन याद आया तो आप इसको फ़ौरन रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है जी, और ये इसके बाद मैं आपको सीडी और क्रेडिट कार्ड क्रैश करके दिखाता हूँ। दूसरा हम अब कार्ड को क्रैश करके देखते हैं। कार्ड क्रैश करने के लिए आप इसको यहाँ पर लेके आए और यहाँ से हम कार्ड को इंसर्शन करें। सीडी क्रैश करके दिखाइए, मैंने आपको क्रेडिट कार्ड ने क्रैश कर लिया। अब आप जो है ना आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑफिस डॉक्यूमेंट्स जो कि कॉन्फिडेंशियल होते हैं या आप उनको सीक्रेट रखना चाहते हैं या क्रैश करना चाहते हैं, आप उनको बजाय ऐसे कि डस्टबिन में मोड़ के और उनको फेंकें तो उससे बेहतर है कि आप उसको श्रेड करके डस्टबिन में इसकी चले जाएगा। उसके बाद हम इसको अब ऑफ़ करते हैं। ये इसका सिंपल सा पैनल है, ओवरहीट का है, बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हैं तो हीट हो जाती है और जिसकी वजह से यहाँ पर इंडिकेशन आ जाएगी ओवरलोड। अगर जैसे 12 पेपर की इसकी कैपेसिटी है और आप लगाते हैं 15 पेपर्स तो ये ओवरलोड का इंडिकेशन दे देगा। डोर इसका ओपन होगा डस्टबिन का, इसकी जो वेस्ट बिन है तो ये वहाँ पर इंडिकेशन आ जाएगी। ये ऑटो है इसका, बाकी ये पैनल है ऑटो पे है, रिवर्स पे है और ऑफ पे है। ये इसकी वेस्ट बिन है, वेस्ट बिन में देख लीजिए हमने सीडी को क्रैश किया था, सीडी श्रेड हो गई है। इसके अलावा ये क्रेडिट कार्ड हमने क्रैश किया था, क्रेडिट कार्ड है। और चूंकि ये मैंने अनबॉक्स कर लिया है, अनबॉक्स अगर आप परचेस करना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप परचेस कीजिए तो आपको इस वक्त 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा जी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी तमाम वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको तमाम न्यू वीडियोज़ मिलती रहें। copier.pk से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।